इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला ने एक बड़ी प्यारी हदीस लिखी है। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने कलमा पढ़ना है पर चार चीजें हैं जो मुझसे छूटती नहीं पर आप उनको हराम कहते हैं, तो हुजूर आप हुक्म करें क्या करूं। फरमाया चल तू बोल वो क्या है। कहने लगा जी मैं शराब का भी आदी हूँ माज़ अल्लाह। बोलिए अस्तग़फिरुल्लाह। सारे बोलिए मैं शराब का आदी हूँ मुझसे छूटती नहीं। और फिर कहने लगे मैं चोरी का भी आदी हूँ जाती नहीं। और तीसरी बात यह कि मैं माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह जिना का भी आदी हूँ। और चौथी मेरे अंदर बीमारियां कि मैं झूठ बहुत बोलता हूं, यादें छूटती नहीं, मैं इनके होते हुए कलमा कैसे पढ़ू, आपके दीन में ये शदीद बुरी चीजें और मुझसे छूटती नहीं तो क्या हुक्म है। मेरे महबूब अलैहि सलाम को अल्लाह ने बड़ी हिकमत अता फरमाई, बड़ा नवाजा है नबी पाक ने। हुजूर ने बड़े खूबसूरत जुमले कहे, फरमाया को सौदा कर ले मेरे साथ। अर्ज की हुजूर हुक्म हो, फरमाया चारों में से एक छोड़ दे, कलमा पढ़ ले, सौदा कर ले। कहा हुजूर हुक्म करे कौन सी। सहाबा कहते हैं अब हम घूम रहे थे कि ये क्या बात है, चारों चीजें हराम में कती है। हुजूर कहते एक छोड़ दे, मैं एक वादा कर। कहा या रसूलल्लाह हुक्म करे। तो सहाबा कहते हैं अब जब हुजूर ने कहा ना एक छोड़ दे तो हम फिर तजिया कर रहे थे कि शराब बड़ी गंदी है, जिना बड़ा गंद है, चोरी किसी के हक में डाका है, जुल्म है। लेकिन मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने क्या खूबसूरत फरमाया, फरमाया चल तू झूठ छोड़ दे। क्या छोड़ दे? अल्लाह अकबर। फरमाया झूठ छोड़ दे। अर्ज की बाकी, फरमाया बाकी अल्लाह फजल करने वाला है, तू झूठ छोड़ दे। अब लोग कहते हैं कि हम हैरान थे कि इतनी गंदी चीजें, शराब भी, जिना भी, चोरी भी, और हुजूर ने सिर्फ झूठ छुड़वाया। वो सरदार कहता है मैं घर गया, शराब की बोतल पे हाथ डालने लगा, दिल में ख्याल आया शराब पी के सहाबा के मजमे में जाऊंगा, तो अगर किसी सहाबी ने पूछा कि तूने शराब पी है, झूठ बोलूंगा तो नबी पाक के वादे का क्या बनेगा, और सच बोलूंगा तो उस महफिल नूर में बैठूंगा कैसे शराब पी के। कहते दो तीन दफा हाथ बढ़ाया पर मजा नहीं आया, मैंने पटखी दीवार के साथ बोतल, मैंने कहा ये तो गई, ये नहीं पीऊंगा आज के बाद। कहते फिर मैं बाहर निकला उस औरत के पास रात गुजारने जहां मुंह काला करना था। कहते जब पहुंचा तो उसने पहला सवाल पूछा, कहने लगी सुना है तू कलमा पड़ गया है। कहते बस वजूद चकना चूर हो गया। कहते बिजलियां दौड़ गई। मैंने कहा अगर झूठ बोलू तो हुजूर के वादे का क्या बनेगा। बाबू ने कहा झूठ नहीं बोलना, अगर सच बोलू तो फिर इसके करीब कैसे जाऊं। कहते वहां से भी लौट आया। अब मेरी जिना की आदत भी गई। अगली शाम हुई तो सामने माल पड़ा था एक आदमी का, वो आदमी का फलता उस पे हाथ डालने लगा, तो दिल में ख्याल आया ये सवेरे तफ्तीश भी करेगा, अगर पूछता पूछता मुझ तक आ गया कि तूने तो नहीं चोरी की तो झूठ तो मैं बोल ही नहीं सकता, हुजूर से वादा किया है, और सच बोलूंगा तो मेरी आबरू क्या बचेगी। कहते शाम एक दिन में गया, अगले दिन की शाम हुई तो सिर्फ सच की आदत अपनाई, मेरा जिना भी गया, मेरी चोरी भी गई, मेरी शराब कबाब भी गए। कहते तीसरे जाके दरवाजे रसूल पे बैठा, सहाबा बाकी अपना काम करते रहे, मैं सिर्फ मुस्तफा का चेहरा तकता रहा, मैं बस चेहरा तकता रहा। देर हो गई तो एक सहाबी कहने लगे क्या देख रहे हो, तो मैंने कहा इस रसूल का कमाल देख रहा हूं, इस महबूब का कमाल देख रहा हूं, एक झूठ छुड़वाया है तो रब करीम ने मुझे सारे तकवे अता फरमा दी।